हाय एवरीवन, इट्स मी हमना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे आप बहुत ही प्यारा और ग्लोई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में ना मैं वो सारी प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और सारी ही प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही आप एक अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो, बल्कि कुछ रीज़नेबल प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो ना एक अच्छा और ग्लोई मेकअप क्रिएट करने में ना आपकी बहुत हेल्प करेंगी। एक वो दौर होता था हमारी अम्मियों का जब वो सिंपल तिब्बत क्रीम या फेयर एंड लवली जो क्रीम होती थी वो लगाती थी और सबसे प्यारी लग रही होती थी, और हम लोग 10 चीज़ें लगा के भी कहते हैं कि भाई पता नहीं हम सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे। जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है ना, वैसे ना कन्फ्यूजन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ना आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो सस्ती भी हैं और आपको सूट भी करेंगी। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लुक में आपके हेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तो आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे ना, तो आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी उतनी इन्हेंस नहीं होती जितनी हो सकती है। कई लोगों के तो माशाल्लाह से ऑलरेडी बाल बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत स्ट्रेट होते हैं, सिल्की होते हैं, लेकिन ना कईयों के बाल थोड़े फ्रिजी भी होते हैं। चाहे वो बाल स्ट्रेट भी कर लेना तो उनके हेयर पे वो फ्रिजीपन जो होता है वो नहीं जाता, बाल फूले रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कि अगर जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो मैं ना एक हेयर सीरम आपको रिकमेंड करूँगी। ये हेयर सीरम बहुत 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 अच्छा है। थोड़ा सा यूज़ करने से ही ना आपके बाल जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। आपने ना बस थोड़ा सा इसको लेना है हाथों से बालों के ऊपर ना, बस एक दफ़ा फेर देना है, और आप देखना कि आपके बालों में क्या कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। आके ना आपने मुझे दुआएं देनी है, आप देख लेना। बाकी इनका जो प्रॉपर नेम और कहाँ से आप ये बाय कर सकते हैं वो सब डिटेल्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। ओके जी, इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ क्लिंजर या कोई मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र या लोशन जो भी आप कह लें, आपने ना बस मेकअप से पहले इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि रोज़ आप ना प्राइमर नहीं लगा सकते। तो मैं तो इसी को प्रेफर करती हूँ मॉइस्चराइज़र। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है पाउंड्स का जो है मॉइस्चराइज़र वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा वैसलिन का जो कोकोनट वाला मॉइस्चराइज़र है ना, वो भी बहुत कमाल का है। उसकी स्मेल इतनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ना। लेकिन ना आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये ना एलोवेरा से बना हुआ है, और आपको पता ही होगा कि एलोवेरा आपके स्किन के लिए कितनी अच्छी रहती है। अगर आप एलोवेरा डेली बेसिस पे भी लगाना शुरू कर दो ना, तो बिलीव मी ना आके मुझे थैंक यू बोलना है कि यार क्या कमाल चीज़ बता दी है। ये मॉइस्चराइज़र बिना एलोवेरा से ही बना हुआ है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसका ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयली टाइप टेक्स्चर नहीं है, स्किन पे बहुत ही लाइट वेटेड फील होता है। नेक्स्ट स्टेप है कोई भी सनब्लॉक या सनस्क्रीन लगाना। एक अच्छा सनब्लॉक लाजमी यूज़ करना चाहिए आपको। आजकल जो गर्मी के हालात है ना, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। 2 दिन घर बैठ के ना स्किन कुछ बेहतर होती है, तो अगले दिन बाहर निकल जाओ ना तो वही दोबारा से सन टैन हो जाता है। मेरी स्किन पे तो धूप का बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, तो सन टैन से बचने के लिए ना ये रिवाज का सनब्लॉक आपको बहुत काम आने वाला है। मैं पर्सनली खुद यही यूज़ करती हूँ, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस सनब्लॉक का टेक्सचर इतना क्रीमी सा है और इतने अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। इस गर्मी में ना आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना चाहिए, सिंपल ना सनब्लॉक लगा के टिंट लगा के मैं तो बाहर चली जाती हूँ। और सनब्लॉक या कोई भी सनक्रीम लाजमी यूज़ करें। जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह ये लगाना भी इंपॉर्टेंट है, बस यही समझ लें आप। अच्छा जी, अगला स्टेप है ये कंसीलर। जिनके कोई डार्क स्पॉट्स होते हैं फेस पे या कोई डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको कंसीलर तो लाजमी यूज़ करना चाहिए। मैं ये वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। मैं वैसे ना इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मतलब डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करती, कभी कोई इवेंट्स हो जाए तब बस यूज़ कर लेती हूँ। और ये ना वाकई में बहुत अच्छे से स्टे करता है आपके फेस पे, बहुत अच्छा लगता है लगावा। मेरे ना वैसे इतने कोई डार्क सर्कल्स नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अगर मैं लगाऊँ ना तो आंखें ना ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, प्रोमिनेंट होने लगती हैं। ये आप देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, और कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। बेस्टेस्ट फाउंडेशन है ये, सुपर फ्लॉलेस और सुपर अफोर्डेबल है। मैं तो भाई मेरा फेवरेट है। बहुत सी फाउंडेशंस ऐसी हैं जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाली फाउंडेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। लगते साथ ही ना एक तो बहुत अच्छे से इसकी लुक आ जाती है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है। इसका टेक्स्चर आप देखें, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत ऐसे क्रीमी सा है, ऐसे कोई हार्ड टाइप का नहीं है जिसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई फाउंडेशन ना हमेशा आपको अपने स्किन टोन से मैच करके लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना शेड, तो वो ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं कोई आटा लगाया हुआ है, फेक सी लुक आने लग जाती है, और आपकी स्किन भी बहुत ऐसे आर्टिफिशियल नहीं होती, वो लगने शुरू हो जाती है। बस ये शेड की भी बात हो रही है ना, तो मुझे वैसे याद आ गया कि मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती थी कि जिन्होंने अजीब से फाउंडेशन का शेड लगाया हुआ होता था, दूर से ऐसे लगता था, इतनी उनकी आर्टिफिशियल स्किन लग रही होती थी ना, और जब पास जाके देखो तो
इतनी हंसी आती है कि यार इतना मेकअप कैसे कर लेते हैं लोग। बाकी आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिहाज से कौन सी फाउंडेशन बेस्ट है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी। नेक्स्ट बारी आती है किसी भी लूज़ पाउडर की या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की। फाउंडेशन आपका कभी भी पाउडर के बिना सेट नहीं हो सकता, वो लुक ही नहीं आएगी प्रॉपर वाली। फाउंडेशन लगाया है या नहीं लगाया लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी लगा लिया करें। मैं यूज़ करती हूँ ये ग्लैमरस का फेस पाउडर। फेस पाउडर ना फाउंडेशन को सेट करने के लिए लगाया जाता है ताकि आपका फाउंडेशन खिसके ना, इधर उधर ना हो जाए। ये ग्लैमरस वाला फेस पाउडर ना आपको बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगा, बहुत चीप प्राइस में 500 समथिंग में ये आ जाता है। इसके अलावा मैक का फेस पाउडर भी बहुत अच्छा है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ये ब्लशर। बस आपके पास ना कोई भी लाली पड़ी है ना वो लगा लो, लाली नहीं है टिंट लगा लो, बस कुछ भी ना पिंक पिंक सा लगा लो, बिना पिंक ब्लशर अप्लाई करते साथ आप देखना कि आपकी बेस आपकी फाउंडेशन किस तरह से बैलेंस होती है और एक लुक बन जाएगी आपकी। मैं ना ये वाला ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, इसका भी प्रॉपर नेम और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, सो डोंट वरी। ये अपना पाकिस्तान से तो नहीं मैंने लिया, ये मैंने लिया है यूके से मंगवाया था मैंने। लेकिन अगर मैं कोई फिट किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट दिखाऊँ ना तो ये टिंट इतना कोई कमाल का है। मैंने ना ये एक इंस्टा पेज से ऑर्डर किया था, पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। एक तो इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, दूसरा बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही क्यूट सा कलर इसका आता है आपके फेस पे, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये लिप बाम। उफ़ल्ला, ये इतना कोई कमाल है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये देखिए काफ़ी तो मैं इसको यूज़ कर भी चुकी हूँ। सिर्फ एक दफ़ा इसको लगाना होता है और इंस्टेंट कलर आ जाता है इसका, लेकिन ना एक दो मिनट्स में ही इसका कलर आना शुरू होगा और इतना नेचुरल लगता है ये बहुत ज़्यादा। कोई भी लिपस्टिक मैं यूज़ कर लूँ ना, लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले ना ये लिप बाम तो लगाना मस्ट है, मैं कहती हूँ। खासकर मेरे जैसी लड़कियों के लिए जिनकी लिपस्टिक टिकती ही नहीं है, इस प्रोडक्ट पे ना आप लोग लाजमी इन्वेस्ट करें। किसी भी शॉप से आपको ये वैसलिन का लिप बाम मिल जाएगा। अब बारी आती है आईलाइनर की। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला आईलाइनर। आप केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हो या कोई पेन लाइनर भी। मैं पर्सनली ये पेन लाइनर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, मैं ना वो लड़की हूँ जिसको अभी तक एक प्रॉपर तरीके से लाइनर लगाना नहीं आता, शायद इसलिए भी कि ज़्यादा मैं प्रैक्टिस इसकी नहीं करती और कैजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। लेकिन ना ये है कि लाइनर लगाते साथ आपकी आईज़ में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं, प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं आपकी आईज़, खासतौर पे एक जो विंकी लाइनर होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये लिपस्टिक। ये मैंने बुनानसा से तरंगी से ली थी, मेरी सेकंड लिपस्टिक है ये और मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। इसका जो कलर है ना वो मुझे अपनी स्किन और फेस के अकॉर्डिंग लगता है, मीन्स कैजुअल यूज़ में यूनिवर्सिटी जाते हुए ना ये बहुत ही नेचुरल लगता है। जाहिर है एक स्टूडेंट होते हुए अगर आप कोई लाली पीली लिपस्टिक लगा लोगे तो बहुत ही ओवर लगोगे, इसलिए ना मुझे लगता है कि भाई आपको हमेशा कैजुअल यूज़ के लिए ना ऐसा कलर चूज़ करना चाहिए जो नेचुरल भी लगे और ओवर बिल्कुल भी ना लगे। इसके अलावा ये एक लिप पेंसिल भी बहुत अच्छी है। ये लिप पेंसिल ना मैंने सफ़ायर से ली थी, इसका शेड भी ऑलमोस्ट इसी लिपस्टिक जैसा है, लेकिन अब मैं दोनों यूज़ करती हूँ। लाइक इस पेंसिल को लिप कॉर्नर्स पे लगा लेती हूँ, देन ये लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, तो ये है कि मेरी लिपस्टिक ना कुछ देर टिक जाती है, जल्दी नहीं उतरती। अच्छा, जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाई हैं ना वो सभी बहुत अफोर्डेबल हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स से ना आप एक बहुत अच्छा सिंपल और ग्लोई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।